कपल्स का जो टॉपिक है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है शुरू से ही, जब से हम इसको शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पहली बार देखते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कपल्स कैसे हम सॉल्व करते हैं और क्या कपल्स का इफेक्ट रहता है शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो कपल एक स्ट्रक्चर में तब प्रोड्यूस होता है जब दो इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड की फोर्सेस किसी सेक्शन पे एक्ट करती हैं और जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता, और ये फोर्सेस जो हैं ट्रांसलेशन की बजाय रोटेशनल मोमेंट प्रोड्यूस करती हैं किसी स्ट्रक्चर में। इसका मतलब इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो तो ज़ीरो होगा, लेकिन इस पूरे कपल का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बीम में ये दो फोर्सेज लग रही हैं पी, जो कि पैरेलली लग रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, और दोनों का ही डिस्टेंस जो इस बीम की एक्सिस से है वो ए है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है 2PA। तो अभी मैंने बताया कि जो इन फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होगा, लेकिन इसमें रोटेशनल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। इसका मतलब जो शीयर फोर्स डायग्राम है उसमें जो ये कपल है कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा उसमें जो इसकी वैल्यू है वो कुछ ना कुछ चेंज होगी ही, और इस कपल की वजह से जो हमारे बीम में या स्ट्रक्चर में जो बेंडिंग मोमेंट है वो चेंज होगा। इस कपल की एक ये एडवांटेज भी है कि ये ट्रांसलेशन मोमेंट तो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये हमारी हेल्प करता है सपोर्ट्स पे रिएक्शन फाइंड आउट करने में, और वो हम अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो देखेंगे कि कैसे। इस कपल को हम कपल मोमेंट या कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट भी कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमारे कुछ डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन बैंक बाय सैन मोब एप्स। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें सभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सिविल इंजीनियरिंग के, ईयर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है या क्वेश्चन देखने, तो सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं और ईयर वाइज भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। एक खास बात इसकी ये भी है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, तो आप इसके सिविल इंजीनियरिंग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बहुत ही जल्दी रिप्लाई आ जाते हैं। ये ऐप को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है ए बी, जिसकी लेंथ है 6 मीटर्स, और 2 मीटर की लेंथ पे उस पर 24 किलोन्यूटन मीटर का कपल लग रहा है, और इस बीम पे कोई लोड नहीं लग रहा, और हमें फाइंड आउट करना है कि इस बीम का शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा। तो इतने टाइम से हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं एसएफडी बीएमडी के। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि सपोर्ट्स पे जो रिएक्शंस हैं वो क्या होंगे। अब हमें कोई एक्सटर्नल लोड तो दिया नहीं हुआ इस बीम पे जो कि हम निकाल सकें कि आर ए और आर बी प्लस जो भी आएगा। तो जो हमारी पहली इक्वेशन होती है वो ये होती है कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू द टोटल वर्टिकल लोड एक्टिंग ऑन इस बीम। लेकिन अब कोई लोड लग ही नहीं रहा, तो जो वर्टिकल लोड की वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो। इट मीन्स आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और जो हमारे सेकंड इक्वेशन होती है वो ये होती है कि हम किसी भी सपोर्ट पे मोमेंट लेते हैं उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि जो मोमेंट होते हैं सपोर्ट पे वो ज़ीरो होता है हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट के केस में। तो मोमेंट ले सकते हैं हम ए सपोर्ट पे। अगर मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, दैट इज़ आर बी इंटू 6 माइनस 24। जो कपल्स का मोमेंट है वो हम एज इट इज़ कर देते हैं, उसको किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस इक्वेशन से हमारी जो आर बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आर बी विल बी इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6, दैट इज 4 किलो न्यूटन। नाउ वी नो दैट आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड ऑन द बीम, वेयर आर बी इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, आर ए विल बी इक्वल टू -4 किलो न्यूटन। तो इसका जब अगर हम शीयर फोर्स डायग्राम देखें तो क्या आएगा, अब ए और बी पॉइंट के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमें शीयर फोर्स लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि कोई वर्टिकल लोड लग ही नहीं रहा। तो इसका जब अगर हम शीयर फोर्स डायग्राम देखें वो कुछ इस तरह से आएगा, ए पे जो है वो -4 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है तो ये डाउन चला जाएगा, उसके बाद आगे कोई लोड लग ही नहीं रहा तो वो थ्रू आउट बी तक -4 की ही वैल्यू रहेगी उसमें, और बी पे फिर +4 किलोन्यूटन हो जाएगा तो ये फिर से ज़ीरो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इसका शीयर फोर्स डायग्राम आएगा वो आएगा नेगेटिव। नाउ अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है डिफरेंट सेक्शंस पे। तो आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि ए और बी पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है। अब देखते हैं सी पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा। अब सी पे हम ऐसे नहीं देख सकते कि सिर्फ 24 किलो न्यूटन मीटर का कपल लग रहा है तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में 24 किलो न्यूटन मीटर लिख दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट्स पे भी रिएक्शन लग रहे हैं तो उनकी वजह से भी कुछ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा इस बीम के अंदर, तो उसको भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा।
अब ए पे तो ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, अब देखते हैं सी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेज ले सकते हैं या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेज। अब मैं सी पॉइंट पे, क्योंकि मुझे पता है कि 24 किलोन्यूटन मीटर का कपल लग रहा है, मैं पहले वो देखना चाहता हूँ कि अगर 24 किलोन्यूटन मीटर का कपल नहीं लग रहा होता तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेज हैं उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से क्या बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता। तो सबसे पहले मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि जो नेगेटिव साइन है फोर्स का वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी इसलिए हमने उसको नेगेटिव साइन से डिनोट किया, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 4 ही है। तो अगर मैं ए पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में शो करूँ तो जो वैल्यू होगी वो -4 होगी, और अगर ए पॉइंट पे मैं डाउनवर्ड रिएक्शन शो करूँ आर ए का तो वो वैल्यू 4 किलोन्यूटन ही होगी, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी डाउनवर्ड शो कर रहा हूँ तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 4 ही रहेगा, फिर उसको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होना कि जो वैल्यू आई थी शीयर फोर्स एट ए पे वो -4 आई थी, लेकिन जब हम बेंडिंग मोमेंट में सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि अगर हम अपवर्ड रिएक्शन शो कर रहे हैं तो हम -4 लेंगे, लेकिन जब हम डाउनवर्ड रिएक्शन शो कर रहे हैं तब हम +4 लेंगे, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी डाउनवर्ड शो कर रहे हैं तो नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसमें डाउनवर्ड शो किया है ऑलरेडी। तो जो साइन कन्वेंशन का रूल है वो क्या कहता है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव है। तो सिंस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है जो 4 किलोन्यूटन की वैल्यू है, तो मैं क्या लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट एट सी, -4 × 2, तो वैल्यू क्या आएगी -8 किलोन्यूटन मीटर, और ये तब है जब 24 किलोन्यूटन मीटर का कपल नहीं लग रहा। या आपने कुछ बुक्स में ऐसा भी देखा होगा कि जस्ट लेफ्ट ऑफ सी या जस्ट राइट ऑफ सी। जस्ट लेफ्ट ऑफ सी का क्या मतलब है कि सी से जस्ट पहले जब 24 किलोन्यूटन मीटर का लोड नहीं लग रहा, और सी के जस्ट बाद जब 24 किलोन्यूटन मीटर का लोड लगना शुरू हो चुका है। तो जो बेंडिंग मोमेंट आया आर ए की वजह से वो आया -8 किलोन्यूटन मीटर। तो यहाँ पे -8 का मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर दूँ इस डायग्राम में। उसके बाद एकदम से उस सी पॉइंट पे 24 किलोन्यूटन मीटर का कपल लगना शुरू हो जाता है। सिंस वो कपल जो है वो क्लॉकवाइज है, और इस टाइम जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है सी पे वो -8 किलोन्यूटन मीटर का लग रहा है, तो जो टोटल बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो कितना लगेगा, -8 + 24 किलोन्यूटन मीटर एट पॉइंट सी। तो -8 + 24 क्या वैल्यू आएगी, 16 किलोन्यूटन मीटर। इसका मतलब 24 किलोन्यूटन मीटर का ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है या एकदम से राइज हो रहा है बेंडिंग मोमेंट में सी पॉइंट पे। और उसके बाद तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना हो, तो बी पॉइंट तक जो है वो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो अगर हम ड्रॉ करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो ये आएगा, ए से सी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, फिर सी पे 24 किलोन्यूटन मीटर का एकदम से चेंज आ गया, फिर 16 किलोन्यूटन मीटर से 0 किलोन्यूटन मीटर की तरफ चला गया जो हमारा डायग्राम है बी पॉइंट पे। तो ये जो डायग्राम आएगा ये आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसपे सिर्फ कपल लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा।